लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बाड़मेर सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अपने संसदीय क्षेत्र में एक्टिव नजर आ रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा पास है, जिसे लेकर कई नेता अपने संसदीय इलाकों के दौरे कर रहे हैं। दौरे पर कैलाश चौधरी ने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मेरा संगठन जो मुझे जिम्मेदारी देता है मैं संगठन का काम करता हूं। वहीं पीएम के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। बताते चले कि कैलाश चौधरी बाड़मेर जैसलमेर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल को 3,23,808 वोट से हरा दिया था। जो मुझे जिम्मेवारी देता है वो मैं संगठन का काम करता हूँ। मुझे जो अभी जिम्मेवारी मिली हुई है कृषि मंत्रालय के नाते, तो मैं उसको अच्छे से निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार पिछले समय से कि किस तरह से मैं देश के किसानों को, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, तो उस दिशा के अंदर मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से मैं जनता के, जो मेरे क्षेत्र की जनता है, उनको भी धन्यवाद दूंगा। और पिछले 5 साल मैं जनता के बीच में भी रहा, मैंने समय समय पर बाड़मेर की जनता के बीच में आकर उनकी समस्याओं को सुनने का, उनका समाधान करने का भी 5 साल प्रयास किया है।